नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो भैया आज हम आपको कंपैरिजन वाला वीडियो एडिट करके सिखाने वाले हैं, काफी कमाल का होने वाला है। आपने प्रीव्यू तो वाच कर लिया होगा एंड ऐसे वीडियोस में अगर आप कंपैरिजन वीडियो बनाओगे तो है इसमें एक चीज परमानेंट है कि आपको ना कॉमेंट भर भर के आने वाले हैं। ऐसे वीडियोज में ना कॉमेंट भर भर के आने वाले हैं। ऐसे तो हमने लिखा है एंड हमने जो वीडियो बनाया उसमें लिखा हुआ था कि आप कौन सा एप्लीकेशन पसंद करते हैं, ऐसे कुछ था। एंड वहाँ पे हमने यूट्यूब का लोगो दिया था एंड उसके सामने हमने लिखा था लाइक एंड इंस्टाग्राम का नीचे में था एंड उस पर हमने लिखा था फॉलो। एंड अगर आप वहाँ पे कमेंट लिख दो तो आपके बहुत सारे कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। कंपैरिजन वीडियो नॉर्मली यही होता है, कंपैरिजन वीडियो आप जब भी बनाओगे तो आपको कमेंट मिलना ही है। तो भैया बहुत कमाल की चीज़ है, आप इन तक की बात कीजिएगा एंड वेट कीजिएगा। एक बात आप लोगों को बताते हैं हम, देखिए कल हमने अपना YouTube चैनल को विजिट करा, खुद का YouTube चैनल देखा, हमने पुराने वीडियोस को कैसे हमने स्टार्ट करा एंड क्या हैं अभी कहाँ तक आ चुके हैं। तो जब हमने कल अपना पहला वीडियो विजिट करा था, पहला वीडियो देखा तो भैया हमने वहाँ पे हमें खुद हंसी आ रही थी कि क्या मैं पहले वीडियो एडिट करता था एंड मेरा बोलने का जो कॉन्फिडेंस था जो थोड़ा लो था, बहुत ज़्यादा लो था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा। अभी आप लोग बोलोगे ना, आप लोग कभी माइक पे बोलो ना तो आप मुझसे अच्छा बोल पाओगे। आप पहले के कंपैरिजन में जब हमने फर्स्ट सेकंड वीडियो आप पहली बार बोलोगे तो ही मुझसे अच्छा बोलोगे, मेरे को ये मानना है, मेरा ये मानना है। आप बोलोगे तो मुझसे अच्छा ही बोलने वाले हो आप, नहीं तो मेरा फर्स्ट वीडियो अगर देख लीजिए कैसे मैं कितना बदतमीज, कितना मतलब मैं बिना वॉयस था एंड उतना अच्छा वॉयस नहीं था, खुद को थोड़ा ऐसा लगता था कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोज देखे हमने एंड एक कल हमने एक और वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो देखे। भैया थोड़ा सा वेट कीजिएगा, उस वीडियो में यही बोला गया था कि भैया आपके पास जो भी टैलेंट है, समझ जाओ आपके पास जो भी टैलेंट है, अगर इतना सा भी टैलेंट है ना, इतना सा भी टैलेंट ना, तो आप मार्केट में कूद जाओ, उतना सा ही टैलेंट लेकर आप मार्केट में कूद जाओ, आपको सीखने और सिखाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप सीख पाओ कैसे, मार्केट जितना बड़ा गुरु है ना, मार्केट समझ लो ना, मार्केट इतना बड़ा गुरु कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मार्केट आपको क्या से क्या नहीं सिखा देगा, एक बार मार्केट में आप कूद कर देखिए भैया, बहुत कमाल की चीज़ है मार्केट। आपको जो चीज़ नहीं ना सीखने को होता है वो चीज़ तक आप सीख जाओगे। हमने अपने पहले वीडियो को देखा एंड आज का वीडियो हम जो बना रहे हैं आपके सामने, कभी सोचा नहीं कि कभी कैमरे के सामने आकर ना लोगों से दो बात मैं बता पाऊँ, इस तरीके से बातें मैं आप लोग से कर पाऊँ, कभी नहीं सोचा था। मात्र 2 से 3 मंथ में हमने मार्केट में इतने सारे यूट्यूबर देखे, सोचा कि सलाह सब तो यही कर रहे हैं, थोड़ा अलग करना है, बहुत अलग हमने कर दिया, बहुत अलग। भाई आज 7 से 8 हज़ार सब्सक्राइबर वाले वैसे कोई एडिटिंग चैनल नहीं है जिसपे कि आपको क्या कहते हैं वॉइस ओवर दिया जा रहा है एंड कैमरे भी इस तरीके से कैमरे के सामने हमारा करना कुछ आप लोग को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, ऐसा एक मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं। हो सके कोई है लेकिन भाई, लेकिन आप लोग जो मेरे 8 हज़ार भाई हो, मैं आप लोगों को कभी सब्सक्राइबर की तरह नहीं माना भाई, आप लोग मेरे भाई की तरह हो एंड जब मैं आप लोग खुश रहोगे तभी हम खुश रहेंगे। आप लोग अच्छे से वीडियो एडिट कर पाओगे, आप लोग कुछ फॉलोवर जब तक गेन नहीं करोगे तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई जब हम आप लोग कितना सिखा रहे हैं, आप लोग कुछ मतलब कि कुछ आगे मतलब कि इंक्रीज ही नहीं करोगे तो भैया मेरे को क्या फ़ायदा बताओ। हम तो कुछ चलो 10,000-20,000 रुपया मंथली कमा सकते हैं भाई, उससे मेरे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पैसे के लिए अगर आप काम करना चाहो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, पैसे के लिए अगर आप YouTube पे काम करना चाहो तो बहुत गलत चीज़ है। थोड़ा नाम कमा लो भाई, थोड़ा नाम कमा लो, समझ लो ना, 10,000-20,000 कोई बड़ी चीज़ नहीं है भैया। हम ब्लॉगिंग करके ना इस तरीके से हम ब्लॉगिंग करके 40 से 50,000 रुपया मंथली आराम से अर्निंग कर सकते हैं। अब पहले तो नहीं लेकिन अब आराम से अर्निंग कर सकते हैं 40 से 50,000 रुपये तक आराम से सिर्फ ब्लॉगिंग करके। जितना ब्लॉगिंग का वर्चस्व हो गया इस मार्केट में, लोग बहुत ब्लॉगिंग देख रहे हैं, बहुत लोग अभी ना आप एडिटिंग कर रहे हो ना भैया, जितने टाइम में आप एडिटिंग करते हो ना चूतिए लोग उतने टाइम में ब्लॉगिंग देखते हैं, उतने टाइम में रील्स को इस तरीके से स्क्रॉल करते हैं। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो, आप जो एडिट कर लेते हो भैया दुनिया में कोई नहीं कर पाएगा, मैं अभी नहीं, समझ रहे हो ना। जितने टाइम में आप वीडियो एडिट कर रहे हो उतने में चूतिए बंदे हैं ना जो अभी गुमराह हैं, जो जिन्होंने किसी अभी तक घर से पैर बाहर नहीं निकाला है भैया, वो अभी सिर्फ रील्स को स्क्रॉल कर रहे हैं, आप तो एडिट भी कर रहे हो ना। तो चलिए भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट एंड ज़्यादा आप मोटिवेट करने की ज़रूरत है नहीं आपको, आई होप आप सब समझ गए होंगे
क्या इन फ्यूचर आपको करना है नहीं करना है, सारी बातों को आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, आपको ले चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पे। एंड अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट है मार्केट में आता है, सुबह 6 से 6:30 में तो आ ही जाएगा ना, 6 से 6:30 से 7 के बीच में तो आ ही जाता है ना मेरा वीडियो, कितना 7:20 में तो रेगुलर आ जाता है कि नहीं 7:30। अरे यार एडिटिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट 7:20 में आपको मिल जाएंगे, तो भैया चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब। तो चलिए भैया वीडियो करते हैं स्टार्ट, एंड आपको ले चलते हैं सीधा मॉल स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को एडिट करने के लिए दो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, एक है पिक्सलैब एंड सेकंड है लाइट मोशन। तो पिक्सलैब एप्लीकेशन को हम सबसे पहले ओपन करेंगे, एंड न्यू टेस्ट को आपको डिलीट करना है। ऊपर में 3 डॉट का आइकन, आपको 3 डॉट के आइकन पर टैप करके मैं साइज पर टैप करना है। इमेज साइज को आपको 2000 तक रखने हैं, देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन पर टैप करो एंड टेस्ट पे जाओ, न्यू टेस्ट को होल्ड करके नीचे लाना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि सबसे ज़्यादा आप क्या चलाते हो, सबसे ज़्यादा आप क्या पसंद करते हो, ये लिखते हैं तो अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा आप क्या पसंद करते हो, इस तरीके से, देन हम ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस ए वाले सेक्शन पर टैप करके यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट का सेक्शन देखने को मिलेगा, माय फ़ॉन्ट पे टैप करना है। एंड देन यहाँ से आपको ना अब फॉन्ट को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हम खंड बोल्ड फॉन्ट यूज करेंगे। देन थोड़ा सा भैया साइज को ना इंक्रीज करेंगे, ताकि यहाँ पे अच्छे से दिख जाए एंड अच्छे से पता चले। तो चलिए मेरा हो चुका है, अब हम कलर वाले सेक्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा मुझे कलर का सेक्शन, इस पे टैप करके हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, देन हम करेंगे ओके पे क्लिक। आपको फिर से प्लस के आइकन पे टैप करना है, फ्रॉम गैलरी पे टैप करना है, यहाँ से आपको एक PNG ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, और सबसे पहले ये ले लेंगे इंस्टाग्राम वाला लोगो, एंड देन यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो गया 2 सेकंड, इस तरीके से 1:1 के रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। देन हम ओके पर क्लिक करेंगे, साइज को थोड़ा सा डिक्रीज करके यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। चलो अब इसे ही मतलब इसके जगह पर एक और हम लाते हैं, वो यूट्यूब का लोग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे इस वाले सेक्शन पर टैप करके ना इसे हम करेंगे कॉपी, एंड कॉपी कर लेने के बाद नीचे लाएंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा आप राइट साइड स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको टेक्सचर का ऑप्शन, आपको एक तो किधर है वो देख लेते हैं, ये यहाँ पे टेक्सचर, इस तरीके से इस पर टैप करेंगे। इस वाले सेक्शन पर टैप करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब का लोगो, आप उसे टैप कर दो, देन ओके पे क्लिक करना है। आप दोनों देखिए दोनों बराबर में हो चुका है, दोनों का साइज सेम है, साइज आपको सेम रखना है, ताकि ये ना देखिए ये एक छोटा है एक बड़ा है तो उतना अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए हम इस तरीके से हम कर दिए। अब क्या करते हैं ना कि प्लस के आइकन में फिर से प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे टैप करेंगे, एंड ना यहाँ से हम क्या एक पिक्सलैब एप्लीकेशन में हमने एक PNG क्रिएट करा था, इसे हम ऐड करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा सारा PNG वगैरह। तो इस तरीके से थोड़ा सा साइज को हम डिक्रीज करके ना यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। अब हम इसे कॉपी करके निचले पे लगा देंगे इस तरीके से, है कि नहीं। चलिए हो चुका है, अब हम फिर से प्लस के आइकन पे टैप करेंगे, टेस्ट पे टैप करेंगे, यहाँ से हम जैसे इंस्टाग्राम है तो लिखेंगे इंस्टाग्राम तो मौके पे क्लिक करके फॉन्ट वाले सेक्शन पे टैप करेंगे, यहाँ से हम फॉन्ट को करेंगे चेंज, माय फॉन्ट पे टैप करके चलो फॉन्ट हम चेंज करते हैं। तो इसके लिए चलो ये ही फॉन्ट हम यूज़ करते हैं, अगर ये सही है ये तो है तो सही, नहीं तो फिर भैया हम फॉन्ट चेंज करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, तब तक के लिए काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमें ये फॉन्ट देखने को मिला है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम ऐसे है ना, तो इंस्टाग्राम को हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ताकि यहाँ पे हो जाए अच्छे से, इतना नहीं सही है, ऐसा करते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम का तो लोग है ही ना, तो लाइक लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिख देते हैं लाइक, इंस्टाग्राम के लिए आप लाइक करो इस तरीके से। थोड़ा सा साइज को हम इंक्रीज करेंगे, इतना ज़्यादा नहीं भैया, एंड इस तरीके से, एंड कलर वाले सेक्शन पर टैप करके ना आपको यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट करना है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी से ही हम कॉपी करके निचले वाले पे लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इंस्टाग्राम के लिए लाइक करो एंड यूट्यूब के लिए फॉलो करो, थोड़ा साइज में इस पे
साइज का थोड़ा इशू हो रहा है, तो साइज को हम थोड़ा डिक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा इस तरीके से। अब देखिए हो चुका है, अब अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। आप सबसे ज़्यादा आप क्या पसंद करते हो, एंड अगर आप इंस्टाग्राम तो लाइक करो एंड यूट्यूब तो फॉलो करो, तो भैया मज़े से मज़े मज़े इस तरीके से। एंड अगर आप अनदर चीज़ मतलब फॉलो आप ज़्यादा पसंद करते हो उसके लिए भी कोई बात नहीं, इसे हम कॉपी करेंगे एंड इस तरीके से हम लिखेंगे मैं बताओ। अभी आपको लिखना है मैं बताओ, बस सिर्फ लिखना है आपको मैं बताओ इस तरीके से, एंड एक क्वेश्चन मार्क इस तरीके से। ओके पे क्लिक करके कलर वाले सेक्शन पे टैप करके ना यहाँ पे हम इसे रीड करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे रीड करेंगे, तो हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब मैं बताओ इसका मतलब इसके आगे क्या होना चाहिए, तो इसके आगे होना चाहिए प्लस के आगे पे टैप करेंगे, फ्रॉम गैलरी पे टैप करेंगे, इसके आगे होना चाहिए ये, इसके आगे होना चाहिए ये, कमेंट में बताओ। कोई अगर अदर एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हो पसंद आपको लगता है कि वो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है तो भैया कमेंट में बताओ ना, सारा का सारा तो फ़ायदा मेरा ही होने वाला है। अगर आप इंस्टाग्राम अच्छा लगता है तो लाइक करो, अगर यूट्यूब अच्छा लगता है तो फॉलो करें, देन अगर अदर एप्लीकेशन कोई अच्छा लगता है तो भैया जाओगे कहाँ, कमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से आपने बंदे को फंसा लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेसन भैया आप सभी को। अगर आप इस वीडियो को बनाओ तो वो वाली बात जो सुशांत सर ने कहा, यार आप तो फंसा रहे हो, वो वाला क्यूट आपके साथ भी लग जाएगा, अरे भाई आप तो फंसा रहे हो भाई। इस तरीके से देखिए आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, एंड कुछ भी आप अगर इसमें और भी इसे और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो ना, ऊपर नीचे कुछ भी आप यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, ब्लैक ब्लैक PNG इमोजी वगैरह आप कुछ कर सकते हो, लेकिन भैया हम इसमें नहीं कुछ करेंगे, आपको जो करना कर लीजिएगा। अब इस वाले सेक्शन पर टैप करके ना यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, आपको ट्रांसपेरेंट करना है। ऊपर में एक्सपोर्ट का आइकन आपको इस पर टैप करके सेव एज इमेज पर टैप करना है, डायमेंशन कस्टम डाउन एरो अल्ट्रा देन सेव टू गैलरी, तो काफ़ी ईजी है। चलिए इतना प्रोसेस कंप्लीट, अब हमें लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, थोड़ा अच्छे अच्छे समझिएगा यहाँ पे, नहीं तो फिर यहाँ जरा जरा सा भी अब गड़बड़ आए तो भैया पूरा वीडियो गड़बड़ा जाएगा। तो इसके लिए प्रोजेक्ट पे टैप करके न्यू वायरल वीडियो है आपको इसे ओपन करना है, ये एक्सेल फाइल, इसी एक्सेल फाइल का हम यूज़ करने वाले हैं। तो भैया इसका काम है इंडिया में, और शुरू में किसका काम है जो आपको मैं बता रहा हूँ, प्लस के आइकन पे आप टैप करो, 9:16 का रेशियो, 1080 रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट 60 FPS, बैकग्राउंड तो आप कुछ भी रख लो, ब्लैक व्हाइट ग्रीन कुछ भी, अब क्योंकि बैकग्राउंड तो आपको खुद से लगाने हैं। देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे टाइप करो, प्लस के आइकन पे टाइप करना है, मीडिया पे टाइप करना है, एंड सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉन्ग को। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए हम थोड़ा सा ढूंढेंगे, ये मेरा सॉन्ग है, प्लस के आइकन पे टाइप करके इसमें सब वीडियो में से सॉन्ग को एक्सट्रैक्ट करेंगे, देन वीडियो को डिलीट, ये मेरा सॉन्ग आ चुका है। अब मेरा 9:38 सेकंड का सॉन्ग है, फिर से हम प्लस के आइकन पे टाइप करेंगे, मीडिया पे टाइप करेंगे, एंड देन यहाँ से एक आपको ऐड करना है, वो है क्या आपका एक PNG, तो PNG ऐड करने के लिए थोड़ा सा वेट करके ना ढूंढेंगे उसे, तो ये मेरा है क्या, हाँ यही है। अब ऊपर में थ्री डॉट का आइकन है, थ्री डॉट का आइकन पर टाइप करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है, अभी से मिनट तक इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। अब आपको फिर से इसमें थोड़ा सा, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो आपका PNG जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड क्लियर पर टैप करना है, इफेक्ट वाले सेक्शन पर टैप करो, ऐड इफेक्ट पर टैप करो, सर्च करो यहाँ पे STAR, देन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, अरे हिंदी में आ गया ये, चलिए इसे इंग्लिश कर लेते हैं। सबसे पहले STAR, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए मिल गया सिंपल स्टार फील्ड, आपको इस पर टैप करना है, शैनर सेटिंग पे टैप करना है, पोजीशन का सेक्शन इसे अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हम इसे दोनों फिंगर की मदद से ना जूम आउट कर लेते हैं ताकि अच्छे से हम आपको समझा पाएँ, एक आपको शुरू में कितना है, एक आपको सबसे एंड में कितना है, एंड जो एंड वाला की है, एंड वाले की में यहाँ पे देखिए X Y Z 3 सेक्शन है, तो जेड वाले सेक्शन पर टैप करके इसे हम 1000 करेंगे, इसे हम 1000 करेंगे, देखिए इस तरीके से 1000 हो जाने दो, चलो 1000 मेरा हो गया। अब देन हम फिर से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे साइज का आइकन देखने को मिल जाएगा, साइज को अभी 0.100 या 0.150 कर लेते हैं इसे, नहीं 50 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नहीं नहीं सही है 50 ही कर लेते हैं, 0.150। तो इस तरीके से आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा सा सॉन्ग को जीरो करते हैं वॉल्यूम, इस तरीके से आपका वीडियो बन चुका। अब यहाँ पे आपको PNG ऐड करना है, प्लस के आइकन पे टैप करो, मीडिया पे टैप करो, PNG ऐड, अब साइज को डिक्रीज करके ना दोनों लेंथ के बीच में इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। चलिए अब थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे ऐड हो गया, एंड देन इन तक इसे भी हम इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे आपको एक्सेल फाइल यूज करना पड़ेगा, बैक जाओ, न्यू वायरल वीडियो है,
इसमें से आपको सारे इफेक्ट को आपको कॉपी करना है। देन कॉपी कर लेने के बाद जाएंगे एंड सिंपल पीएनजी में जाकर हम पेस्ट कर देंगे। अब आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। देखिए कितना कमाल का है, कितना स्मूथली वीडियो आपका है जो लेफ्ट से पूरा घूमते हुए रोटेट होते हुए राइट में जाकर गिर जा रहा है। इस तरीके से आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए ऊपर में एक्सपोर्ट का आइकन पर टैप करके वीडियो के लिए एक्सपोर्ट कर लो। चलिए मिलते हैं कल के एक और एडिटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।